नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी नोटिफिकेशन आउट कर दी है, सफदरजंग एयरपोर्ट या फिर सफदरजंग हवाई अड्डे पे खाली पदों को भरने के लिए। यहां पर सफदरजंग एयरपोर्ट के ऊपर आपके जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट खाली है। अब उनके जो फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कंप्लीट डिटेल्स आपको स्टेप वाइज यहां पर मैं बताने वाला हूं। सो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर एक बार नोटिफिकेशन की बात करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सफदरजंग हवाई अड्डा, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले तो आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो कहां पर रहने वाली है, न्यू दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर रहने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करता हूं वैकेंसी को लेकर, सबसे पहले मैं वैकेंसी यहां पर दी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहां पर छह पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज आउट हुई है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, ठीक है, उसकी अगर यहां पर मैं बात करता हूं आपकी, तो टोटल 9 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स 9 वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर जो है उनकी 237, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस जो है उनकी 66, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस उनकी 3 और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ इनकी है 18। तो यहां पर आप टोटल देख सकते हो कि किस ट्रेड्स की या किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज टोटल है, और साथ में यहां पर आपकी कैटेगरी वाइज भी दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज आपकी हैं। अगर आप देखिएगा यहां पर, जैसे एसटी कैटेगरी के लिए ऑफिस की नहीं है वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, यहां पर अनरिजर्व के लिए 6 है, एससी के लिए 1 है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहां पर 2 है। सो यहां पर आपको यह भी चेक करना है कि आपकी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपकी वैकेंसी उसके लिए है या नहीं है। अगर है तो आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। पोस्ट यहां पर आपको टोटल मैंने बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेकर। देखिए, अगर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की मैं बात करता हूं, तो यहां पर ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, बीए कर रखी हो, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी आपने कर रखा हो, बट ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूं सीनियर असिस्टेंट की, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस और ग्रेजुएट आपको बीकॉम के अंदर होना चाहिए। तो अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और अगर आपने बीकॉम कर रखी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर आप कोई भी लोग जो है वो यहां पर कॉमन कर सकते हैं। अगर यहां पर मैं अप्लाई, यहां पर 237 वैकेंसीज और सभी जितने भी आपकी कास्ट है, ठीक है, वो सभी यहां पर आप क्या कर सकते हो, सभी कैटेगरीज यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर अपना क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व सभी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉमन है, यहां पर आप सभी लोग कॉमनली अपना क्या कर सकते हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, तो बीकॉम होना चाहिए, 2 साल की ड्यूरेशन का आपको स्पेशलाइजेशन का जो होना चाहिए आपके पास, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन फाइनेंस के अंदर होना चाहिए। फायर सर्विस की बात करता हूं, तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इनके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो। और लॉ की मैं बात करूं, तो 3 साल की आपके पास, ठीक है, 3 साल की आपके पास लॉ की डिग्री हो, या 5 साल की 10+2+3 ईयर बीटेक जो आपकी लॉ होती है उसका 5 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री हो, ठीक है। यहां पर अगर आप ये करते हो और आप बार ऑफ काउंसिल में इनरोल अगर आपने कर रखा है खुद को, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। आगे अगर मैं बात करता हूं एज लिमिट को लेकर, तो जूनियर असिस्टेंट की 30 ईयर मैक्सिमम है, 4/9/2023 को इसकी कैलकुलेशन होगी। सीनियर असिस्टेंट की भी 30 है, 4/9/2023 से इसकी कैलकुलेशन होगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव की 27 साल मैक्सिमम है और 4/9/2023 इसकी एज कैलकुलेशन यहां पर की जाएगी। इसके बाद अगर मैं एज रिलैक्सेशन की यहां पर बात करता हूं, तो एससी को 5 साल, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट रूल, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 साल का, ठीक है, और अगर आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अगर कोई हैं, ठीक है, तो उनको भी यहां पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे यहां पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के, एग्जाम के अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा। तो यहां पर आपके सेक्शन पार्ट 1 के अंदर आपसे इंग्लिश, इसके बाद रीजनिंग, मैथ्स और जीके,
ये आपसे पूछी जाएगी इंग्लिश के 20 सवाल, 15 सवाल रीजनिंग के, 15 सवाल मैथ के, 10 सवाल आपके से पूछे जाएंगे जीके के, 20 नंबर होंगे, एक सवाल एक नंबर का है, 20 नंबर आपके इंग्लिश के, 15 नंबर आपके रीजनिंग के, 15 मैथ्स के, 10 नंबर आपके होंगे जीके के। पार्ट टू जो होगा उसमें मैथ के 60 सवाल और फिजिक्स दोनों के मिला के 60 सवाल आएंगे और 60 ही नंबर के होंगे। टोटल आपके 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, साथ में आपकी जो ड्यूरेशन 120 होगी, 120 नंबर का होगा और 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ में यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक अच्छी चीज है कि आपको नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपके 5-8 यानी कि कल से 5 अगस्त से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट होगी आपकी 4 सितंबर। इसके अलावा आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट की अगर मैं बात करता हूं, तो वो आपकी वेबसाइट www.aiaero इसके ऊपर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर मैं यहां पर आपके पे स्केल की बात करता हूं, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी की ₹40,000 से लेकर आपका 1,40,000 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो 36,000 से लेकर 1,10,000, जूनियर असिस्टेंट की बात करो तो 31,000 से लेकर 92,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा 35% आपके बेसिक पे का, 35% आपके बेसिक पे का आपको क्या दिया जाएगा, अलाउंसेज वगैरह दिए जाएंगे। मतलब कि अगर आपका 40,000 यहां पर पे है तो इसका 35% आप यहां पर निकालेंगे, तो 35 × 400 आप करेंगे तो 0, 0, 5, 4, 20, 4, 3, 12, 13, 14, तो आपको 14,000 रुपए, ठीक है, 14,000 रुपए जो है वो यहां पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा एज ए अलाउंसेज आपको यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। सो आपको बेसिक पे ये हो गया, प्लस में आपके अलाउंसेज 35% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सो ये थी आपकी सारी डिटेल्स आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसीज आउट हुई है उनकी। साथ में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वेबसाइट www.aai.aero पे जाके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स आपको मैंने बता दी। अगर साथ में मैं एग्जामिनेशन फीस की बात करता हूं, तो आपकी 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000 रुपए फॉर अनरिजर्व या अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शायद 1,000 रुपए आपकी फीस यहां पर रखी गई है, और फीमेल्स वगैरह को शायद यहां पर एग्जेम्प्टेड किया गया है। सो आप जब नोटिफिकेशन में देखेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको एग्जाम फी का पता लग जाएगा, बट 1,000 रुपए बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर फीस है, और शायद फीमेल्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह शायद यहां पर जो है एग्जेम्प्टेड यहां पर रखे गए हैं। सो एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके लिए थी, आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या है और आप एलिजिबल हैं या नहीं है। सो अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिल करके आप एयरपोर्ट की जॉब पाना चाहते हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर देना। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके निकलती है, बाद में कई बार साइट बिजी हो जाती है, कई बार कुछ हो जाता है, तो आप एज सून एज पॉसिबल अपने फॉर्म को फिल कर देना। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।